नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर उसमें कुख्यात बदमाश वरुण चौधरी को रिमांड में लेने की बात कही। मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि करीब 7 से 8 माह पूर्व वरुण और उसके साथियों के पास से 7 हथियार बरामद किए गए थे। इस मामले में वरुण के साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वरुण फरार चल रहा था। वरुण को किसी अन्य प्रकरण में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्लॉक टावर थाना SHO वरुण चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए, जिसके बाद अब हथियारों के बारे में पूछताछ की जाएगी। जी सर, आगे ये एक मेरे से पूर्व का एक प्रकरण है जिसमें हथियारों की जब्ती हुई थी, जिसमें तकरीबन 7 हथियार जब्त हुए थे, जिसमें वरुण चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ था, फरार चल रहा था, लेकिन अभी वो जो है किसी और मामले में कोर्ट में पेश हुआ है, जिसमें कोर्ट ने उसको जैसे किया। अब कोर्ट से जो है SHO क्लॉक टावर उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेके आए हैं और अन्य जो भी उससे इस मामले में पूछताछ की जानी है हमारे रिमांड पर चल रहा है, उसकी पूछताछ की जाएगी। सर, कब का मामला? मामला मेरे से पहले का है, लगभग 7-8 महीने पहले का है। साथी तो अब और जो पहले तो कुछ तो गिरफ्तार हुए थे जिनके पास बरामद हुए थे, और ये भी उसमें मेन रोल में था, और अभी अन्य पूछताछ की जाएगी कहां कहां से क्या क्या आई है, क्योंकि हथियार 7 हथियार की वजह से बरामद हुए थे इसके। हाँ, उसको जो है प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं और उसको रिमांड पे ले रहे हैं। ठीक है।